नमस्कार, मैं हूं देवव्रत और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज होलिका दहन है और होलिका दहन से जुड़ी एक अहम जानकारी आज हम आपके साथ साझा करेंगे। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। होली में जितना महत्व रंगों का है, उतना ही महत्व होलिका दहन का भी होता है। होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक है दैत्यराज हिरण्यकश्यप और विष्णु भक्त प्रहलाद की। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का अहंकारी और क्रूर राजा हुआ करता था। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि वह न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव से और ना ही दानव से। इस वरदान को प्राप्त कर लेने के बाद दैत्यराज खुद को सर्वशक्तिमान समझ बैठा। लेकिन अहंकार में चूर हिरण्यकश्यप को ये कहाँ पता था कि ये वरदान ही उसके काल का कारण बन जाएगा। इस वरदान की वजह से वह खुद को भगवान समझने लगा। वो चाहता था कि राज्य में सब उसकी पूजा करें। राजा का गुरूर इतना बढ़ गया कि एक दिन राजा ने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद ही भगवान विष्णु का भक्त था। राज्य में हिरण्यकश्यप के डर से लोगों ने इस फैसले को माना, पर प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने का तय किया और राजा ने ये काम होलिका को सौंपा। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसे भगवान शंकर से एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने के बाद किसी भी प्रकार की अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका ने दैत्यराज के आदेश का पालन किया और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। पूरा राज्य उस पल का साक्षी बना कि कैसे भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए धधकती हुई अग्नि में प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। और वहीं शिव जी से अग्नि रहित चादर का वरदान प्राप्त होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप चकित रह गया। होलिका के जलकर मरने से लोगों ने खुशियां मनाई और इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं। अब आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाने के लिए होलिका दहन का त्यौहार मनाया जाता है। होलिका दहन होली से एक दिन पहले किया जाता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल टीवी 9 भारतवर्ष।